अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो पे काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स में मैसेज किए, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि ये देखें, न्यू जगह पे मैं शिफ्ट हुआ था तकरीबन 2 वीक पहले, और कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं, लाइक टीवी, सोफ़ा, बेडशीट, टेबल, और कुछ चीज़ें लेने वाली हैं। आज लेने जाऊंगा, जिसमें कारपेट है, एक दो बर्तन रहता है वो लेना है, और छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ जी, अभी निकलने लगा हूँ। मौसम चेक करें, मौसम बहुत प्यारा है। कल तो सारा दिन तकरीबन बारिश होती रही थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम। लुक एट दिस व्यू, क्या बात है। और ये लारी खड़ी है जी अपनी, इस पे आज जाता हूँ। टिकट नहीं लगी। परदेसी स्क्वाड, We back, yo. ये सामने जो है अभी ये लोकल स्कूल है इधर का, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक। आज अभी मैंने रास्ते में एक पेट्रोल पंप आया था, उधर मैंने देखा पेट्रोल की प्राइस जो है ना तकरीबन 21.3 है। अगर मोटा मोटा हिसाब करें, 20 कोई चले कर लें, हमने तो कंपेयर पाकिस्तान के हिसाब से करना होता है। अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 26 का वो बन रहा है, 1 करोड़ जो है ना वो 26 का है। तो वो आप खुद ही कैलकुलेटर मार मोड़ के देख लें कितने बनते हैं। अभी जो है जी स्टोर पे आ गए हैं। अभी बस अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से उस जगह पे है। ये बहुत बड़ा स्टोर है, फर्नीचर वगैरह ये वो सारा कुछ इधर से मिलता है, A to Z चीज़ें। और ये सेक्शन जो है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट है। क्या आउट क्लास की चीज़ें हैं इधर। ये एक पूरा इन्होंने घर का जो है ना वो किया है डिज़ाइन इसको। और ये देखो बेडरूम, ये सारा कुछ इसी तरह का आपको डिज़ाइन करके देंगे। उसके बाद ये जो है, ये देखो बहुत प्यारा सेक्शन है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने कर दिया तो पूरी शॉपिंग जो है ना वो होगी। फिर इधर से तो तकरीबन हर चीज़ लेने का दिल करता है। लेकिन मैं अभी क्लीन लेने आया था, सिर्फ अभी उस सेक्शन में जाना है। ये फर्नीचर वाला जो है ना सेक्शन है, क्लीन वाले सेक्शन ढूंढता हूँ। बहुत बड़ा, तकरीबन एकर्स में ही होनी है ये जो शॉप है इनकी। अभी ये थोड़ा सा सामान लिया है, बैटरी भी कम है इसलिए मैं कंटिन्यूस नहीं बना रहा। अभी क्लीन लेना है, पिलो वाले सेक्शन में 2 पिलो लिए हैं। अभी देखते हैं क्लीन वाला अभी आ गया सेक्शन, और देखते हैं बैटरी बचा के मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। हाँ जी, एक कारपेट के डिपार्टमेंट में ये मुझे पसंद आया, ये वाला। और एक ये था, और एक दूसरी साइड पे, और एक ये था। तो मैंने दूसरा लिया क्योंकि एक तो वो बड़ा था और मुझे वैसे भी वो सॉफ्ट लगा था ज़रा, तो इसलिए जो है ना मैंने वो ले लिए।
ट्रॉली बस रेडी है, ये रख लिया ऊपर, ऑलमोस्ट सामान ले लिया, पिलो बर्तन थे कुछ, थोड़ा सा और सामान था, अभी चेकआउट के लिए जाता हूँ बस। हाँ जी, तकरीबन सामान कुछ रह गया, कुछ ले लिया, जो रह गया घर वाले आ रहे हैं 4-5 दिनों तक, तो उनके साथ जो है ना आके ले लूँगा। अभी बस चेकआउट करने लगा हूँ और दूसरा गाड़ी में सामान रखना है और इंशाल्लाह वापसी। सबसे मज़े की बात है सेल्फ सर्विस, खुद स्कैन करो और उधर कूपन लगाओ उस जगह पे और बाहर चले जाओ। ये तकरीबन 2100 और समथिंग बने हैं और बस आपकी जो रिसिप्ट है वो निकल आई है। अब दोबारा फिर जो है ना सामान उसमें दोबारा डालो। इधर से बड़ी डर ही लगता है कि कोई चीज़ रह ना गई हो, आगे से दरवाजे ही ना खुले, बिस्ती भी हो जाती। बस इधर रखो, ग्रीन हो गई। और हाँ जी, शॉपिंग वगैरह तो पूरी हो गई है, अभी तकरीबन गाड़ी की तरफ जाता हूँ, उधर सामान वगैरह उसके अंदर रखना है। हाँ जी, इधर ही आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, अभी मैं घर जाने लगा हूँ, जाके ज़ाहिर है सारी सेटिंग शूटिंग करनी है, चीज़ें सेटमेट करनी है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, खूब सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को और इंशाल्लाह मज़े की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और जल्दी मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह इधर के इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई सवाल हैं, स्टूडेंट हैं या वर्क इमिग्रेशन है या स्किल्ड इमिग्रेशन, कुछ भी इस तरह के ना कोई सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिस तरह का आजकल डिप्रेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरा ख्याल है कि करना चाहिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, अगर किसी का दिल कर रहा है बाहर निकलने का तो वाई नॉट उसको थोड़ा हेल्प की जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना कि आपका क्या प्रोफेशन है, उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे कि किस पे ज़्यादा वीडियो बननी चाहिए, और स्टूडेंट हैं या वर्क वाले हैं, फिर देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।